एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो बेटर। आई होप आप सभी ने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। एज यू ऑलरेडी नो, हम कर रहे थे साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स एंड द सब टॉपिक ऑफ टूडेज वीडियो इज़ हाउ सिम्बायोटिक प्लांट्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन एंड वी टेक एग्जाम्पल एज लाइकेंस। लाइकेंस बेसिकली एल्गा एंड फंगी का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें किस तरीके से सिम्बायोटिक प्लांट्स अपना रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे फॉर फूड एंड फॉर शेल्टर। लेट्स गेट इन टू द वीडियो। हम देखते हैं कैसे वो फूड शेयर करते हैं। जो फंगस होते हैं, ये नीचे वाले जो है, आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये नीचे वाले क्या हैं, फंगस हैं जो कि इस पर्टिकुलर मैट से क्या है, अटैच्ड है। और ऊपर सर्कुलर फॉर्म में जो दिख रहा है आपको, ग्रीन ग्रीन कलर का है ये, इसे हम एल्गा बोलेंगे या एल्गी बोलेंगे। द फंगस विच होल्ड्स द एल्गा सेल्स इन इट्स मैट, द फंगस होल्ड्स द एल्गा सेल्स इन इट्स मैट ऑफ वेब लाइक हाइफे थिन फिलामेंट्स। तो इन थिन फिलामेंट्स को हम हाइफे भी बोलते हैं। और ये थिन फिलामेंट्स क्या है, फंगस है जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करेगी। और एल्गा आपको पता है ग्रीन कलर में, और ये कैसे करते हैं, बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इन दोनों को अगर साथ में रख दिया जाए तो ये एज अ सिंगल प्लांट बन जाते हैं। और उस सिंगल प्लांट को हम क्या बोलते हैं, लाइकेंस। और इस पर्टिकुलर लाइकेंस को हम क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक प्लांट, क्योंकि इस लाइकेंस के अंदर जो दो प्लांट्स हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं। अब डिटेल में स्टडी करेंगे। द फंगस प्लांट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सराउंडिंग। फंगस प्लांट क्या करेगा, मिनरल सॉल्ट और वाटर ऑब्टेन करेगा सराउंडिंग से और सप्लाई कर देगा एल्गा को। और एल्गा ग्रीन कलर की है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगी, और जो फूड ऑब्टेन होगा वो क्या करेगा, फंगस के साथ शेयर करेगा। तो फंगस ने क्या प्रोवाइड करा, वाटर एंड मिनरल एल्गा को दे दिया, दोनों ने मिलकर कंज्यूम करा, और एल्गा ने जो फूड बनाया वो फंगस के साथ शेयर करा। तो इस शेयरिंग को हम, इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को, मतलब इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो हो रहा है इन दोनों प्लांट्स के बीच में, तो इसलिए इन दोनों प्लांट्स को हम बोलेंगे सिम्बायोटिक प्लांट्स। और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दोनों ही प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। अब